जहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। फायदा एक नुकसान अनेक, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, फायदा एक नुकसान अनेक। दोस्तों हाँ बिल्कुल आपको सही बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है कि आपका जब उम्र 60 साल हो जाएगा तभी से आपको पेंशन मिलना शुरू होगा, उससे पहले आपको इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब नुकसान की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला नुकसान और बहुत कॉमन नुकसान, जो कि अगर आप अकाउंट अगर चालू करवा लेते हैं, ये अटल पेंशन योजना स्कीम चालू करवा लेते हैं और उसको आप 6 महीने के बाद अगर बंद करवा देते हैं तो वो सारा पैसा आपका लैप्स, वो पैसा नहीं मिलेगा। अगर उसको आप 1 साल चलाते हैं तो अगर आपका एक स्कीम को बंद करवाते हैं तो वो पैसा आपको रिटर्न मिलने का चांस होता है। ऐसे प्रांत द्वारा बोला जाता है कि नहीं, आपका पैसा जब भी आप अगर क्लोज करवाइएगा तो आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन रिटर्न मिलता नहीं है, बहुत कम लोग को मिलता है। और कम लोग को उन्हीं लोग को मिलता है कि जो कि 1 साल पूरा कर लेते हैं और 1 साल के बाद क्लोज करवाते हैं तो उनको रिटर्न मिल जाता है। अब दूसरी बात, अगर आप एक 18 साल के व्यक्ति हैं और आपने अगर अटल पेंशन योजना लिया तो आपको प्रीमियम कितना देना है, 42 साल। अगर 42 साल के अंदर अगर आपके साथ अगर कुछ हो जाता है तो सारा पैसा बैंक इंटरेस्ट के साथ वापस, बाकी कोई मुआवजा नहीं, तो हम क्यों लें? ये डिसाइड करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर ऐसा है कि हम 42 साल पैसा जमा किए, 42 साल में अगर 1 साल कम जाता है और हमारे साथ अगर कुछ हो जाता है तो हमें पैसा सिर्फ इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा, वो भी कितना महीना मिलेगा उसका कोई पता नहीं। तो क्या ये अच्छा लगा आपको, ये कैसा है, सजेस्ट करें हमारे कमेंट बॉक्स में। अब दूसरी बात कि अगर आपने 42 साल के अंदर अकाउंट को बंद कर दिया, यानी अकाउंट को ऑपरेट करना छोड़ दिया कि चलो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, कल हो के हमने दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, तो अगर आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में अटल पेंशन योजना का स्कीम ले रखे हैं और वहां से आप काम करना बंद, यानी 1 साल 2 साल के बाद अगर आपके अकाउंट डोरमेंट में चला जाता है तो ये स्कीम का पैसा आपका लैप्स कर गया। उसके बाद जब आप क्लोजिंग फॉर्म भरेंगे तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा वो सारा क्लोज हो गया। उसके बाद अगर आप बिना जाने अगर अकाउंट को चालू करवाएं, एक्टिव अकाउंट करवाएं, तो आपका जितना पुराना प्रीमियम ड्यू है, जितना भी ड्यू प्रीमियम है, वो सारा एक साथ काट लिया जाएगा और उसका भी इंटरेस्ट अगर आपने लेट किया है तो उसका लेट फाइन के साथ आपका प्रीमियम काट लिया जाएगा। अब रहे दोस्तों कि यहाँ पे जब हम 42 साल अगर पेमेंट करते हैं, प्रीमियम भरते हैं, अगर मेरे साथ कोई रिक्स कवर नहीं है तो हम ऐसा स्कीम क्यों लें? तीसरी बात, अगर 60 साल के पहले अगर हमारा मृत्यु हो जाता है तो अभी हमारा हमें पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा तो आपको पेंशन मिलेगा, और उसके बाद जो है दोस्तों कि आपको उम्र खत्म होने पे, यानी डेथ कर जाने पे, आपकी वाइफ को वो प्रीमियम मिलना शुरू हो जाएगा, और वो प्रीमियम जब तक मिलेगा जब तक आपकी वाइफ है, और वाइफ को जाने के बाद यानी वाइफ की मृत्यु के बाद उनका जो नॉमिनी होंगे, नॉमिनी को यहाँ पे 1,70,000 रुपया नॉमिनी को दे दिया जाएगा। बस यही था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि जब हमने 42 साल अगर अकाउंट को एक नहीं चलाया तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमारा अटल पेंशन स्कीम लेने से कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है कि किन किन लोग को पेंशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, अगर वो अटल पेंशन योजना का स्कीम ले रखे हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपके आपको गवर्नमेंट का कोई भी पेमेंट अगर मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट से कोई भी आप पेंशन ले रहे हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके 4 बैंक अकाउंट हैं और 4ों बैंक अकाउंट में आपने अटल पेंशन योजना करवा लिया तो दोस्तों उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है सिर्फ 1 अकाउंट में मिलने वाला है,
ऐसा नहीं कि आप चार जगह पे करवा रखे हैं तो चारों जगह से आपको पेंशन मिलेगा, नहीं एक जगह से मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों है जो जीवन ज्योति बीमा जो 330 रुपए ईयरली कटता है, उसमें भी सेम प्रोसेस है। अगर आपके आप चार पांच अकाउंट अगर खुलवा रखे हैं तो सभी ब्रांच में आप जाइएगा तो वहां पे आपको फॉर्म भरवा के और जो वहां पे कि अटल पेंशन ये जीवन ज्योति बीमा कर दिया जाता है, सुरक्षा बीमा कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें से सिर्फ आपको अगर लाभ मिलता है तो एक अकाउंट में मिलता है, जैसे कि ये अपना अटल पेंशन योजना में मिलता है। तो इसी तरह जो है दोस्तों कि फायदा हमें कितना देखने के लिए मिला, एक क्यों वो क्या कि जब हमारा 60 साल हो जाएगा तो हम 1000 पेंशन लेंगे। दोस्तों 60 साल हम बचेंगे या नहीं बचेंगे ये हम आज से भविष्यवाणी करके, और 40 रुपया 18 साल का एक लड़का क्यों 40 रुपया 50 रुपया वो क्यों जमा करेगा, वो पैसे को अगर दूसरे जगह पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट वहां पे मिलेगा। दोस्तों अगर 42 साल बाद अगर आप आगे जाइए तो 1000 रुपये का वैल्यू क्या रह जाएगा। तो बहुत सारा यहाँ पे कंडीशन है जो दोस्तों की जो कि अटल पेंशन सूट नहीं करता है। और अगर आप एक गरीब हैं मतलब सामान्य परिवार से अगर आते हैं तो आपके लिए और बिल्कुल भी सूट नहीं करता है अटल पेंशन योजना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपसे 42 साल जो है अकाउंट एक्टिव नहीं रख पाइएगा। बहुत सारा यहाँ पे अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, 10 साल 15 साल 20 साल जाते जाते अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, उसको हम भूल जाते हैं कि हमारा एक बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अकाउंट था या SBI में भी हमारा एक अकाउंट था। ऐसा दोस्तों ऐसा केस कुछ नहीं तो 50% ऐसा माना जाता है कि जो कि अकाउंट डीएक्टिव हो जाता है। ब्रांच में आप खुश हो सकते हैं दोस्तों कि लाखों अकाउंट वहां पे होता है, लेकिन पर डे लोग जाते कितना है तो वो 500 लोग ही नहीं पहुंचते हैं, उसका रीजन यही सब होता है। तो दोस्तों यही कुछ मैं आप लोग को बताना चाह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको विस्तार रूप से बता पाया हूँ आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और कमी रह गया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं, मैं इसको और इजी वेब से समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।